बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देसी कुकिंग में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं आलू वाला पराठा डबल लेयर। बहुत ही मज़े का बनता है और क्रिस्पी और स्पाइसी। तो उसके लिए हमने 1.5 किलो आलू उबाल कर मैश कर लिए हैं अच्छी तरह से। ये देखिए, अच्छी तरह से मैश कर लिया है। तो सबसे पहले मसाले, नमक, धनिया पाउडर और ये मसाला है अदरक, अजवाइन और ज़ीरा और सूखा धनिया को हमने ग्राइंड किया हुआ है, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, ज़ीरा, दड़ा मिर्च और चाट मसाला इसमें शामिल करेंगे। हरा धनिया है, हरा प्याज, सादा प्याज है, उसको हमने बारीक बारीक किया हुआ है, अदरक लहसुन का पेस्ट और बारीक बारीक चॉप की हुई हरी मिर्चें। तो सबसे पहले हम कढ़ाई हमने चूल्हे पर रख दी है। थोड़ा सा हम इतना सा घी डालेंगे क्योंकि इसको थोड़ा सा हम तड़का लगाएंगे, इससे इसका टेस्ट डबल हो जाता है। सबसे पहले हम एक चम्मच लहसुन अदरक का डालेंगे और इसको ब्राउन करेंगे। अदरक लहसुन हमारा बड़ा अच्छा ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे प्याज। अब इसमें प्याज भी हमारा हल्का सा हमने कर लिया है। अब इसको हम डालेंगे आलू। आलू हमने डाल दिए सारे। अब साथ साथ में हम इसमें मसाले डालते जाएंगे। प्याज डालेंगे हरा वाला, हरी मिर्चें, अब हम बाकी मसाले अपने ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। साथ ही इसमें हम एक भर कर चाट मसाले का चम्मच डाल देंगे। और हरा धनिया अच्छी तरह से एक जाम मिक्स करेंगे। आलू की पिट्ठी हमारी देखिए बनकर रेडी हो चुकी है। अब इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब हम आटा गूंदेंगे। ये हमने गंदम का आटा और सफ़ेद आटा दोनों को मिक्स किया है और इसमें हम थोड़ी सी सूजी डालेंगे और एक चम्मच नमक का और थोड़ा सा घी डालेंगे। 2 चम्मच हमने घी डाल दिए। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी लगाते जाएंगे, आटे को गूंथ लेंगे। आटा हमारा अच्छी तरह हो चुका है। इसको हम 10 मिनट का रेस्ट देंगे। जो सूजी है हमारी वो अच्छी तरह से फूल जाए, क्योंकि सूजी ने फूलना होता है और सूजी का फ़ायदा है कि उससे पराठा जो हमारा क्रिस्पी बनता है। अब हम इसको अच्छी तरह से गूंद लेंगे। आम रूटीन जैसे आटे को गूंदते हैं, बस इसको 10 मिनट का रेस्ट किया। आटा हमारा गूंद चुका है। अब हम इसको डब्बे में निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम पेड़े करके रख लेते हैं। अब हम इसकी रोटी बना लेते हैं। एक जगह से हम इसको इस तरह से कट लगाएंगे। अब हम इस पे आलू की पिट्ठी लगाएंगे। और इसको इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। अब इस तरफ हम पिट्ठी लगाएंगे।
इसको इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। और अब हम इसको हल्के हाथों से, बेलन की मदद से हल्के हाथों से करेंगे। इस तरह से हम इसको हल्के हाथों से शेप दे लेंगे। अब तवा हमने गर्म होने के लिए रख दिया हल्की आंच पर, पराठा जो है हम उस पर डालेंगे। चूल्हा अपने हल्का ही रख रहे हैं क्योंकि इसने अच्छी तरह से अंदर से पकना है। बिस्मिल्लाह, अब इसकी साइड चेंज कर लेते हैं। अब हम इस पे घी लगाएंगे, साइड चेंज कर देंगे। आज हमने हल्की घी को रखी हुई है क्योंकि ये देखिए हल्की सी आंच पर इसको ब्राउन करेंगे। ये पराठा हमारा बनकर देखिए रेडी हो चुका है। दोनों तरफ से बड़ा अच्छा क्रिस्पी और रेड हो चुका है, गोल्डन। तो अब इसको उतार लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसी तरह से हम दूसरा पराठा रेडी कर लेंगे। अब इसको इसी तरह से हम हल्के हाथों से पराठा बना लेंगे इसका। बिस्मिल्लाह। ये पराठा हमारा रेडी है। अब इसको तवे पे डाल देते हैं। बिस्मिल्लाह। और इसको पका देते हैं। ये हमारा दूसरा पराठा भी बनकर रेडी हो चुका है। ये हमारा आलू वाला डबल लेयर पराठा बनकर रेडी हो चुका है। ये देखें इसकी आप पराठे इस तरह से खोल रही हैं। बहुत ही मज़े का बना है पराठा, और क्रिस्पी भी है और स्पाइसी भी है।